अब कुछ क्वेश्चन हम लोग डिज़ाइन का भी करते हैं। डिज़ाइन का एक जैसा बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 350 mm इज सब्जेक्टेड टू ए यूडीएल ऑफ 15 kN पर मीटर ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 8 m। डिटरमाइन द डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर द बीम एंड ऑल्सो कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। यूज M20 ग्रेड कंक्रीट का और Fe250 ग्रेड स्टील का। ठीक है, अब यह डिज़ाइन का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चला? ठीक, सबसे पहले जो जैसे हम लोग एनालिसिस वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, गिवन दिया रहता था डायमेंशन बी डी एस टी इफेक्टिव डेप्थ इफेक्टिव कवर सारा चीज़ पैरामीटर दिया रहता था, कौन सा ग्रेड कंक्रीट यूज़ हुआ है, कौन सा ग्रेड स्टील यूज़ हुआ है, सारा चीज़ दिया रहता था। हम लोग को बस एनालाइज करना है कि कितना लोड सह सकता है, कितना मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है उस बीम का। यहाँ पर लोड दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर UDL के फॉर्म में ये लोड दिया हुआ है। UDL नहीं भी रह सकता है किसी क्वेश्चन में, पॉइंट लोड कंसंट्रेटेड लोड भी रह सकता है, लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में UDL लोड दिया हुआ है, स्पैन दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यानी एक तरह से आपको मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दे दिया, जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस चल रहा है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दे दिया और आपको डिज़ाइन करना है बीम। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील भी दे दिया है। ठीक है, बहुत सारा पैरामीटर होता है डिज़ाइन करने का। डिज़ाइन करने का मतलब क्या, पहले से किसी तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्लाइंट कोई भी आपके पास आया कि ये लोड इंटेंसिटी का हमको कोई भी आप बीम डिज़ाइन करके दीजिए, इतना लोड पड़ने वाला है, इसके लिए किस डायमेंशन का बीम दे, क्या चौड़ाई हो, क्या डेप्थ हो, क्या एरिया ऑफ स्टील हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फिक्स कर सकते हैं कि ग्रेड हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पैरामीटर तो आप एब्रप्टली ऐसे ही एज्यूम कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर डिज़ाइन का एक्सपेक्ट है वो विड्थ डेप्थ और एरिया ऑफ स्टील ही है। ठीक है, वो मेन पैरामीटर्स है जिसको कि आपको डिज़ाइन करना है। ठीक है, बहुत केस में आपने डिज़ाइन किया, ट्रायल एंड एरर बहुत सारा डिज़ाइन हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप एक बार जो डिज़ाइन कर लें वो फील्ड पे प्रैक्टिकल लाइफ में वही फिक्स हो जाए। ठीक है, आपने डिज़ाइन किया, सपोज़ कर लीजिए ग्रेड रखा, ये दोनों ग्रेड रखा, आपने बी डी डिज़ाइन किया। ठीक, तो लोड इतना हैवी था कि बी और डी बहुत बड़ा आ रहा था, उस लोड को सहने के लिए जो डायमेंशन ऑफ द बीम है विड्थ और डेप्थ वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, एरिया ऑफ स्टील भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रेड को बढ़ा सकते हैं, डायमेंशन को कम करने के लिए, डायमेंशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दूसरा जो पैरामीटर को चेंज करना पड़ सकता है वो क्या, ग्रेड अच्छा कर लें। यहाँ पर ग्रेड M20 की जगह M25, M30, M35 ऐसा कुछ ग्रेड यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद इसका भी HYSD बार यूज कर सकते हैं, तब कुछ ना कुछ डायमेंशन का उसमें रिडक्शन आएगा। ठीक है, फिर भी आप जितना चाह रहे हैं उतना रिड्यूस नहीं हो रहा है डायमेंशन, तब एक ही उपाय है, वहाँ पे डबली रेनफोर्स्ड बीम करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर बात करेंगे हम लोग डबली रेनफोर्स्ड। अभी जितना भी केस चल रहा है, जितना भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो किसका है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का। ठीक है, कुछ स्टेप्स है उसको हम लोग देखते हैं, डिज़ाइन का क्या स्टेप्स है, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे। डिज़ाइन स्टेप्स में सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा लोड, लोड इन द फॉर्म ऑफ UDL आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, लोड दिया रहेगा। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या निकाल दिया, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, ग्रेड ऑफ, ये ग्रेड जो स्टील का कंक्रीट का है ग्रेड, ये दिया भी रह सकता है या फिर आप एज्यूम भी कर सकते हैं। ठीक है, एज्यूम भी कर सकते हैं या फिर दिया रह सकता है ग्रेड। आपको निकालना है क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट बी डी और AST। बड़ी डी कुछ ना कुछ कवर मान के हम लोग बड़ी डी भी, अगर डी निकल गया, ये मेन पैरामीटर ये निकल गया, तो ओवरऑल डायमेंशन जो डिप्थ होता है उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका क्या स्टेप्स है, स्टेप वन, अगर लोड दिया है तो MOR पहले निकाल लीजिए, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। अगर UDL के फॉर्म में लोड दिया हुआ है तो WL² / 8, अगर पॉइंट लोड के फॉर्म में दिया हुआ तो WL/4, ऐसे करके कुछ फॉर्मूला था, उसके थ्रू हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे, मेरे हाथ में सारा पैरामीटर सभी है कि विड्थ कितना देना है, डेप्थ कितना देना है, एरिया ऑफ स्टील कितना देना है। ठीक है, तो मेरे हाथ में जब अभी कंट्रोल है तो क्यों ना हम ऐसा सेक्शन डिज़ाइन करें जो कि बैलेंस्ड हो। ठीक है, जितना क्षमता कंक्रीट का हो सहने का कंप्रेशन फोर्स, उतना ही क्षमता इक्विवेलेंट जो सहने का क्षमता स्टील का भी हो, किसी भी मटेरियल पहले कोई कोलैप्स नहीं करे ताकि दूसरा का जो क्षमता है वो बाकी बचा रह जाए और उसमें मटेरियल का बर्बादी होता है। जैसे ओवर रेनफोर्स्ड बीम हम लोग डिज़ाइन कर देते हैं, सपोज़ करिए, तो ओवर रेनफोर्स्ड बीम में क्या होगा, पहले कंक्रीट फेल्योर हो जाता है और स्टील का अभी भी सहने का क्षमता उसमें है, लेकिन उसको भी गिरना पड़ता है ड्यू टू क्या,
अगर कोई भी एक मेंबर कंप्रेशन का मेंबर या फिर टेंशन का मेंबर पहले कॉलेप्स होगा तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कॉलेप्स हो जाता है। ठीक है, तो ओवर रेनफोर्स्ड बीम में कंक्रीट पहले कॉलेप्स किया तो स्टील में क्षमता अभी भी है लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर को कॉलेप्स होना पड़ा। सिमिलरली अगर हम लोग अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हैं तो स्टील पहले फेल्योर हो जाएगा, कंक्रीट में अभी भी कंप्रेशन सहने का क्षमता है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को कॉलेप्स। तो वहाँ पे कंप्रेशन में जो कंक्रीट है उस पर मटेरियल का बर्बादी हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड यूज़ कर दिए होंगे या फिर डायमेंशन विड्थ और विड्थ का बहुत ज़्यादा होगा, डेप्थ का बहुत ज़्यादा होगा, कंक्रीट में मटेरियल का बर्बादी। तो दोनों सेक्शन एक तरह से इकोनॉमिकल नहीं है, कहीं ना कहीं मटेरियल का बर्बादी होता है, किसी में स्टील का किसी में कंक्रीट का। तो जब सारा पैरामीटर्स मेरे हाथ में है तो हम ऐसा सेक्शन डिज़ाइन करेंगे जिसमें अगर कॉलेप्स हो तो दोनों का क्षमता एक साथ ख़त्म हो जाए, ना कंक्रीट में फर्दर किसी तरह का स्ट्रेंथ बाकी रहे ना स्टील में फर्दर किसी तरह का स्ट्रेंथ बाकी रहे। इस तरह का सेक्शन जो होता है वो आइडियल सेक्शन होता है, बैलेंस्ड सेक्शन होता है, क्रिटिकल सेक्शन होता है। ठीक है, तो जब भी डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन बैलेंस्ड सेक्शन, ये थंब रूल है, इसको आप लोग अच्छे से समझें, डिज़ाइन बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस सेक्शन जब भी डिज़ाइन करते हैं मतलब क्या, इसमें जो हम लोग NA जो यूज़ करेंगे वो NC के बराबर, NA और NC आपस में बराबर होगा तभी वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो लेंगे वो कितने के बराबर लेंगे, NC के बराबर। ठीक है, NC और MC तो इजीली निकल सकता है, M सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू डी। अभी भी यहाँ पे डी वाला टर्म, डी डिज़ाइन नहीं हुआ है लेकिन ये सारा जो टर्म है इसमें, इसको एक कांस्टेंट बहुत सारे बुक में के ले लेता है, तो के इंटू डी इस कांस्टेंट को एक इन शॉर्ट के, अगर आपको सिग्मा सीबीसी पता है, सिग्मा एसटी पर्टिकुलर ग्रेड का पता है तो आप के जो टर्म है उसको मेमोराइज्ड भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आसान पड़ेगा बार बार उसको सॉल्व, अगर वो याद है तो के इंटू डी, के का वैल्यू फॉर दिस सिग्मा सी बी सी एंड दिस सिग्मा एस टी, अलग अलग ग्रेड का कंक्रीट और स्टील कॉरस्पॉन्डिंग के का अलग अलग वैल्यू होगा, उसको याद कर सकते हैं आप के इंटू डी। देखिए हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस टर्म में एम तो निकल जाएगा क्योंकि सिग्मा सी बी सी यहाँ पर दे रखा है, ग्रेड दे रखा है, ग्रेड में क्या आता है सिग्मा सी बी सी और सिग्मा एस टी दे रखा है, आपने एज्यूम किया है तो एम का वैल्यू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा सी बी सी वहाँ से पता चल गया, बाकी ये दोनों पैरामीटर दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, वो वैल्यू इनटू डी, उसको क्या यूज़ करेंगे एन सी के तौर पे। अब देखिए एम ओ आर भी हम लोग निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बैलेंस सेक्शन में हम लोग जैसे कि डेप्थ पहले निकालने जा रहे हैं, डेप्थ कैसे निकलेगा, डेप्थ के लिए हम लोग कंप्रेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए टेंशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो डेप्थ अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, विड्थ इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जैसे विड्थ दे दिया है, किसी क्वेश्चन में विड्थ भी नहीं दिया जा सकता है, रह सकता है विड्थ भी आपको निकालना पड़े। ठीक है, तो विड्थ बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग पैरामीटर नहीं है, विड्थ को हम लोग नॉर्मली डी बाई टू एज्यूम कर लेते हैं, तो यानी कि बी भी किस टर्म में आ जाएगा, डी के टर्म में, बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू डी, तो अब अननोन सिर्फ डी रह जा रहा है कंप्रेशन वाला फार्मूला में, अभी टेंशन वाला फार्मूला जाएंगे तो वहाँ पर अननोन ए एस टी भी आएगा, लेकिन अभी कंप्रेशन वाला फार्मूला में जो देखे एक ही अननोन बचेगा वो क्या होगा, डी, क्योंकि बी को भी किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, डी के टर्म में। ठीक है, तो एक तो एजम्पशन ये है कि बी को डी बाई टू ले लें या फिर बी को हम लोग विड्थ ऑफ द वॉल के बराबर लें, विड्थ ऑफ वॉल, ये एजम्पशन है, एज्यूम। ठीक है, विड्थ ऑफ द वॉल मतलब जिस वॉल पे बीम का कोई ना कोई दो सपोर्ट होगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो दो सपोर्ट पे होगा। ठीक है, तो जिस वॉल पे वो सपोर्टेड है उसका जितना चौड़ाई है बीम का भी चौड़ाई उतना ही हो, अगर छोटा होगा तो थोड़ा सा गैप बच जाएगा, अगर बड़ा होगा तो वॉल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आइडियल सिचुएशन क्या होता है, जिस वॉल पे वो सपोर्ट होने जा रहा है बीम, तो वाल का जितना चौड़ाई उतना ही चौड़ाई बीम का भी लिया जाए। अपने घर में भी आप लोगों ने देखे होंगे वाल और बीम का चौड़ाई सेम है तभी प्लास्टर होने के बाद पता नहीं चलता है कहाँ पे बीम है कहाँ पे वाल है, अगर बीम थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो वाल थोड़ा कम हो तो पता चलेगा बाहर से प्लास्टर होने के बाद भी पेंट होने के बाद भी ये जो निकला हुआ पोर्शन है ये बीम है। ठीक है, तो दिखने में अपेरेंस अच्छा हो इसलिए विड्थ ऑफ द वाल, वाल बराबर विड्थ ऑफ द बीम, ये हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये एक एजम्पशन या फिर 0.5 इंटू डी, ये दोनों एजम्पशन में से कोई भी आप बी लेके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बी दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कंप्रेशन वाला फॉर्मूला से, जो डिसाइडिंग फैक्टर है डिज़ाइन में वो डी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर टर्म है, वो कैसे निकालें, एम ओ आर कंप्रेशन वाले फार्मूला से 1 बाई टू सिग्मा
सीबीसी डिज़ाइन कर ले रहे हैं और बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कंप्रेशन में जो कंक्रीट है वो भी अपने परमिजिबल वैल्यू पे पहुंच जाएगा और टेंशन में जो स्टील है वो भी अपने परमिजिबल वैल्यू पे सिग्मा एसटी पे पहुंच जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सिग्मा सीबीसी बैलेंस सेक्शन में 1/2 सिग्मा सीबीसी बी इंटू एनए बोलिए या एनसी, दोनों अभी यहाँ पे सेम है क्योंकि डिज़ाइन हम लोग बैलेंस सेक्शन कर रहे हैं, तो एनसी यहाँ पे लिखे हैं इंटू डी माइनस एनसी डिवाइडेड बाय 3, ये है। अब देखिए यहाँ पे बी वाले टर्म को अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो डी बाय 2 ले सकते हैं या फिर विड्थ ऑफ द वॉल के बराबर लिख सकते हैं सिग्मा सी बी सी। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम लोग बी को डी बाय 2 लिए, डी बाय 2, एनसी को क्या ले सकते हैं, ये कॉन्स्टेंट जो निकल के आ जाएगा कुछ ना कुछ, उसको के माने इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी माइनस के इंटू डी, एनसी को क्या ले सकते हैं, के इंटू डी, तो एनसी को के इंटू डी डिवाइडेड बाय 3, ऐसे हम लोग लिखें। अब देखिए यहाँ पे डी डी कॉमन है तो डी बाहर निकल के आ जाएगा, 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू डी बाय 2 इंटू के इंटू डी स्क्वायर, डी बाहर निकलेगा तो यहाँ पे डी था तो डी स्क्वायर हो जाएगा। अब डी बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे डी बाहर निकल गया तो के बचा, के बाय 3। अब देखिए डी यहाँ पे भी, डी यहाँ पे तो डी क्यूब हो जाएगा, 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू के इंटू 1 माइनस के बाय 3 इक्वल्स टू एम ओ आर। अब इस इक्वेशन पे आप ध्यान दें तो सारा टर्म दिया हुआ है, एम ओ आर कैलकुलेट कर चुके हैं, सिग्मा सी बी सी हम लोग मान चुके हैं या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके बाद डी डी ए निकालना है, के यहाँ पे कांस्टेंट निकल के आ गया कैलकुलेट किए, उसके बाद यहाँ भी के कैलकुलेट है। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो नहीं पता है वो क्या है, डी, तो डी क्यूब बराबर इतना, तो डी बराबर 1/ जो भी टर्म है उसका टू द पावर 1/3, ठीक, जो भी एम ओ आर डिवाइडेड बाय सबको गुना करने के बाद, इस टर्म को गुना करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद जो भी टर्म आएगा उसको एम ओ आर से डिवाइड करिए और इसका टू द पावर 1/3 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, डी, डी क्यूब बराबर जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं एम ओ आर डिवाइडेड बाय इस सब को गुना करने के बाद 1/2 इंटू सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू के इंटू 1 माइनस के बाय 3 सबको, इसको छोड़ के बाकी इधर जितना टर्म है सबको गुना करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको एम ओ आर से यहाँ पे डिवाइड करिए, डी क्यूब को उधर रहने दीजिए, बाकी टर्म को इसके नीचे भेज दीजिए, और डी क्यूब बराबर इतना तो डी बराबर इतना टू द पावर 1/3 ऐसे निकल जाए, ठीक है। ये तो एक टर्म हुआ, अगर डी आप मानते हैं डी बाय बी को मानते हैं, अगर डी बाय 2, अगर बी को क्वेश्चन में दिया हुआ है तो स्क्वायर के टर्म में ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या बी को आप मान चुके हैं विड्थ ऑफ द वॉल के बराबर, 300 mm नॉर्मली विड्थ ऑफ द वॉल होता है, जो कि आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में सभी क्वेश्चन में देखे होंगे ऑलमोस्ट 300 mm विड्थ ऑफ द वॉल होता है, तो उसको 300 mm भी मान सकते हैं। तो जो भी बी को आप माने हैं उस अगर वो लेके चलते हैं तो यहाँ पे डी जो वाला जो टर्म आएगा वो स्क्वायर के टर्म में आएगा, तभी अंडर रूट एम ओ आर डिवाइडेड बाय ये कौन सा जो टर्म है उसका अंडर रूट, अगर स्क्वायर यहाँ पे है तो 1/2 मतलब अंडर रूट ऑफ द ये अमाउंट, ऐसे करके हम लोग फाइनली डी निकालने में सक्षम हैं। अब आते हैं एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलेगा, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील निकालने का क्या तरीका हो सकता है, देखिए एम ओ आर, अब फोर्स ऑफ टेंशन इंटू लीवर आर, इसको कैलकुलेट करेंगे कहीं से इक्वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं एरिया ऑफ स्टील वाला टर्म आएगा। एम ओ आर दिया हुआ है, फोर्स ऑफ टेंशन सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, सिग्मा एस टी क्यों लिखें, क्योंकि बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पे जो स्टील है टेंशन में वो भी अपने परमिसिबल वैल्यू पे पहुँच चुका होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखें, सिग्मा एस टी, ठीक है। लीवर आर्म सेम एज डी माइनस एन ए या एन सी डिवाइडेड बाय 3, चूँकि बैलेंस सेक्शन है एन ए बराबर एन सी होगा, इसलिए कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, एन ए भी लिख सकते हैं या एन सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखें सिग्मा एस टी दिया हुआ है, आप माने हैं या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद डी अभी तुरंत कैलकुलेट किए यहाँ से, एन सी अगर डी पता चल गया तो ये के इंटू डी बराबर एन सी भी पता चल जाएगा, यानी कि एन सी वाला टर्म भी पता चल गया, तो एस टी बराबर क्या हो जाएगा, एस टी बराबर एम ओ आर जो लेफ्ट साइड है डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म, ये मल्टीप्लाइड बाय ये करेंगे तो कुछ ना कुछ टर्म आएगा, उस टर्म को डिवाइड करिए आप एरिया ऑफ स्टील पता चल जाएगा, ठीक। अब एरिया ऑफ स्टील तो कुछ जैसे कि सपोज करिए कुछ आया 1000 कुछ भी 5 mm स्क्वायर इस तरह से आया एरिया ऑफ स्टील, अब इसको आपको प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा मिस्त्री को जो भी लेमैन है उसको कि आप बता दीजिए 1000 5 mm स्क्वायर लगाइए तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बताना पड़ेगा
20 mm का सरिया 5 पीस लगाइए, ठीक है। यानी इसको छोटे छोटे बार्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम लोग कैसे करेंगे, ये टोटल एरिया ऑफ स्टील है, इसको छोटा छोटा और कितना नंबर ऑफ बार्स है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो दो अननोन है इस एरिया ऑफ स्टील में, एक नंबर और एक डाया, एक नंबर और एक डाया। तो हम लोग क्या करते हैं, डाया को कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड से। सबसे पहले ट्राई करते हैं, सपोज करिए कि 20 mm का लगाए चाहे 16 mm का डाया, आपका जो डिज़ाइन कंप्लीट अपने हाथ में, तो हर एक स्टूडेंट का आंसर अलग अलग आ सकता है, आंसर इसमें मैच नहीं करेगा। आप आगे वाले का सोचिएगा, एग्जामिनेशन में देख के कॉपी कर ले, हर एक स्टूडेंट का आंसर सेम नहीं हो सकता, अलग अलग, कोई 16 mm मान सकता है, कोई 12 mm मान सकता है, कोई 20 mm मान सकता है, तो अलग अलग डाया। तो मैंने क्या माना यहाँ पे कि 20 mm का, सपोज करिए 20 mm डाया माने, ठीक है। तो एन नंबर अभी नहीं पता है, 20 mm डाया, एक जो रेनफोर्समेंट उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ स्टील। यहाँ पे जैसे टोटल एरिया ऑफ स्टील फॉर द एग्जांपल आया 1005, ठीक है। तो एन कैसे निकल जाएगा, एन इक्वल्स टू 1005 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 20 का स्क्वायर। इससे एन आया, सपोज करिए 3.8 सब कुछ भी आया इसको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। तो 3.8 तो नंबर नहीं लगा सकते हैं, नंबर जब भी लगाएंगे तो राउंड फिगर में, या तो 3 या तो 4, तो कभी भी कम नहीं लगाना है। 3.8 आया, चाहे 3.1 भी आता तो इसको हम लोग बढ़ा के ही लेते, 4 लेते, कम नहीं लगाना है। कम क्यों नहीं लगाना, क्योंकि ये डिज़ाइन करके आया है, अगर इससे कम दे देंगे तो इतना मोमेंट को सहने के लिए वो एरिया ऑफ स्टील सफिशियंट नहीं होगा, अगर ज़्यादा दे देंगे तो इतना मोमेंट को ईजिली वो कैरी कर लेगा, इसलिए कम नहीं देना है, ज़्यादा देना है। देखिए, और आपको इकोनॉमिकल भी अगर बनाना है तो 3.1 को, जैसे 3.8 रहता है इसको 4 किए तो दोनों आसपास है, लेकिन 3.1 को 4 करना थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल सेक्शन हो सकता है, ठीक है। लगभग ये 3 के बराबर था, फिर भी हमको 4 करना पड़ा, तो इसका क्या उपाय है, इसका ये उपाय है, आप दूसरा ट्रायल लीजिए, 20 mm का नहीं लेके 16 mm का लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एन इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू इतना, यहाँ भी 16 करना पड़ेगा, तो एन का वैल्यू कुछ ना कुछ सपोज करिए आएगा दूसरे बार 5.7, इसको 6 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 6 के करीब है। तो इस तरह से अल्टरेशन करके आपको जो, अगर इकोनॉमिकल थोड़ा कम खर्च में, कम लागत में, क्योंकि स्टील में बहुत खर्च आता है उसको करना है, तो प्रैक्टिकली आप ये कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में इस तरह का ट्रायल नहीं करिएगा, टाइम बहुत कंज्यूम होगा। एक बार में जो आया आंसर उसको निकाल के चल देना, कौन सा भी आपका पैसा लगने जा रहा है, कौन सा उसको आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकली वो बनने तो नहीं जा रहा, ठीक। तो डेप्थ कुछ भी आया उसको थोड़ा बढ़ा के ले सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील कुछ भी आया, नंबर इसको बढ़ा के कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड ट्रायल करने जाइएगा, टाइम कंज्यूम होगा, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे बनाना रहता है। तो ये कुछ बेसिक सा स्टेप्स था, तो जो स्टेप था उसी के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बी दिया हुआ है 350 mm, ठीक है। UDL दिया हुआ है यानी कि लोड दिया हुआ है 15 kN/m, तो इसके थ्रू हम लोग MOR निकाल सकते हैं, और स्पैन भी दिया हुआ है, स्पैन 8 m सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो MOR क्या हो जाएगा, WL² / 8 सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू UDL WL² / 8, W का वैल्यू 15, L का वैल्यू 8² / 8। मीटर, अगर न्यूटन एमएम में इसको कन्वर्ट करें, 120 × 10⁶ Nm, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया आपका सारा MOR, ठीक है, लोड से MOR में कन्वर्सन हो गया, ठीक है। अब हम लोग को डेप्थ और एरिया ऑफ स्टील निकालना है, उसकी तरफ बढ़ना है, तो डिज़ाइन बैलेंस सेक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, डिज़ाइन बैलेंस्ड सेक्शन, दैट मीन्स Na इक्वल्स टू Nc, विच इज एम सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाय एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। अब सिग्मा सी बी सी M20 ग्रेड है, तो इसके लिए हम लोग सिग्मा सी बी सी कितना लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा सी बी सी इक्वल्स टू 7, और Fe 250 है, तो सिग्मा एस टी इक्वल्स टू 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और M का वैल्यू 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा सी बी सी, इसको भी निकाल के हम लोग रख ले, 280 डिवाइडेड बाय 3 इंटू सिग्मा सी बी सी का वैल्यू 7, तो ये आता है 13.33
13.33, ये सारा टर्म हम लोगों ने अभी निकाला, ठीक है। तो m के जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 13.33 सीमा से बी सी की जगह 7 डिवाइडेड बाय 13.33 इंटू 7 प्लस सीमा एस टी 140 इंटू डी, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसी को कांस्टेंट k से सूचित करता है बहुत सारा बुक, ठीक है। उस कांस्टेंट को k का वैल्यू का आप जो भी कैलकुलेट करके आएगा इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं, अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील के लिए निकाल लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, उसको मेमोराइज कर लीजिए, एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें, 13.33 इंटू 7 डिवाइडेड 13.33 इंटू 7 प्लस 140, ये कांस्टेंट का वैल्यू आता है 0.399, 0.4 ले सकते हैं, 0.4 इंटू डी, ठीक है। ये वैल्यू आया एन ए या फिर एन सी का। अब आते हैं एम ओ आर, एम ओ आर एक बार कंक्रीट का फॉर्मूला इंटू लीवर आर्म करेंगे, सी इंटू लीवर आर्म, इससे डी का वैल्यू पता चलेगा। एम ओ आर अभी निकाले कितना, 120 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन mm, सी का वैल्यू हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एन ए या फिर एन सी, डी माइनस एन ए या फिर एन सी दोनों एक ही टर्म है, बैलेंस सेक्शन है, डिवाइडेड बाई 3, ठीक। 120 इंटू 10 पावर 6 इक्वल्स टू हाफ सिग्मा सी बी सी का वैल्यू 7, बी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 350, एन सी का वैल्यू 0.4 इंटू डी, डी माइनस 0.4 इंटू डी डिवाइडेड बाय 3। अब डी डी यहाँ पे से कॉमन लेते हैं तो आगे जो टर्म आता है इसको यहाँ पे हम लोग लिखें, 120 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू हाफ सिग्मा सी बी सी 7 इंटू बी 350 इंटू डी का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 3। ये टर्म निकल के आएगा हाफ 7 350 0.4 यहाँ पे छूट रहा है इंटू 0.4 इंटू डी का स्क्वायर, डी कॉमन ली, ठीक है, 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 3। अब इस टर्म को कैलकुलेट करके रख लेते हैं, डी स्क्वायर को रहने देते हैं, बाकी जितना टर्म है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.5 इंटू 7 इंटू 350 इंटू 0.4 इंटू 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 3। ये जो टर्म आता है ये आता है 424.67। आप लोग भी कैलकुलेट करके देखिए ये कैलकुलेशन सही है या नहीं, क्रॉस वेरीफाई करते रहिए, गलती यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। डी स्क्वायर इक्वल्स टू 120 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 424.67, तो डी इक्वल्स टू अंडर रूट 120 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 424.67। इसको कैलकुलेट करते हैं, 120 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय 424.67, डी का वैल्यू आता है 531.57 mm। तो डी हम लोग अगर आप किसी मिस्त्री को किसी मजदूर को ये बताएंगे कि डी जो डिज़ाइन कर रहा है 531.57, तो वो लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा इसको डिज़ाइन करने में, तो राउंड फिगर में हमेशा चलते हैं डेप्थ का वैल्यू, ठीक है, पॉइंट में नहीं चलते हैं। तो हम लोग इसको एक ऐसा फिगर लेके चलते हैं जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो, तो 530 को हम लोग क्या ले सकते हैं, लेट अस अडॉप्ट स्मॉल डी इक्वल्स टू 540 mm, ठीक है, और टेक इफेक्टिव कवर इक्वल्स टू जैसे कि 40 mm का हम लोग लिए, 40 mm का, ठीक है। तो ओवरऑल जो डेप्थ हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ बड़ी डी, ये इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, यानी 540 प्लस 40 इक्वल्स टू 580 mm, ठीक है, ये आपका ओवरऑल डेप्थ निकल गया। अब एरिया ऑफ स्टील निकालना है, एरिया ऑफ स्टील हम लोग कैसे निकालेंगे, एम ओ आर को अब इक्वेट करिए फोर्स ऑफ टेंशन इंटू लीवर आर, एम ओ आर 120 इंटू 10 पावर 6 फोर्स ऑफ टेंशन सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन ए या फिर एन सी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 120 इंटू 10 पावर 6 सिग्मा एस टी का वैल्यू 140, ए एस टी हम लोग को निकालना है, डी का वैल्यू अभी आया, इफेक्टिव डेप्थ कितना हम लोग 540 ली, 540 माइनस 0.4 इंटू 540, ये एन सी का वैल्यू हो जाएगा,
अभी 504 इंटू डी के इंटू डी एन सी होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। इसमें सब टर्म पता है, AST नहीं पता है, तो AST निकल जाएगा 140 इंटू 540 माइनस 0.4 इंटू 540 डिवाइडेड बाय 3। इस पूरे टर्म को भाग दे दीजिए किससे, 120 इंटू 10 टू द पावर 6 से। ये AST जो आया निकल के यहाँ पे टोटल AST 1831.5 mm². इसको नंबर ऑफ आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हैं, या फिर और थोड़ा अगर नंबर ऑफ डाया पूछा जाए, ये डाया कितना का ले, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट पूछा जाए, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम डाया को, हम लोग जैसे एज्यूम करते हैं 20 mm का, n इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1831.5। तो n इक्वल्स टू 1831.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 20 का स्क्वायर, ये n निकल जाएगा। ये n का जो वैल्यू आता है 5.83 आता है। तो हम लोग लेट अस अडॉप्ट 6 नंबर्स, ठीक है। तो डिजाइन जो समरी आया, डिजाइन समरी क्या आया कि 20 mm का डाया लेना है, 6 नंबर लेना है। यहाँ पे डिजाइन समरी आप फाइनली लिख सकते हैं, समरी टेक ओवरऑल डी इक्वल्स टू ओवरऑल डी 580, स्मॉल डी 540 और डाया बार 20 mm, नंबर्स कितना निकला 6 नंबर्स। ये डिज़ाइन समरी आया, ठीक है। इसको लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके फाइनल कंक्लूजन जो है इस डिज़ाइन का वो ये है।